नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन में। बात करेंगे पीयर रिव्यू प्रोसेस के बारे में और एक और क्वेश्चन एड्रेस करेंगे जो कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या रिव्यूअर्स जो है वो कोई पैसा कमा सकते हैं क्या पीयर रिव्यू की प्रोसेस से। तो देखिए, इस पूरी प्रोसेस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा पीयर रिव्यू के बारे में कि किस तरीके से एक पीयर रिव्यू किया जाता है, एक जर्नल किस तरीके से उसको जो है अप्रूव करता है, और साथ ही साथ जो रिव्यूअर्स होते हैं उनको इसके लिए कोई पैसा क्यों नहीं मिलता है। आखिर हम में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उनको पैसे नहीं मिलते हैं, और ये क्या रीज़न है इन चीज़ों के पीछे और किस तरीके से इंडस्ट्री भी काम करती है। तो देखिए, अगर आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। वहाँ पे मैं कॉमर्स और पेपर वन पढ़ाता हूँ, और कॉमर्स और पेपर वन का ये सब्जेक्ट एनटीए यूजीसी नेट के लिए आप मुझसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करके। रोज़ रात को 10 बजे एक फ्री क्लास होती है जिसमें हम पेपर वन जो जनरल पेपर है उसकी क्लासेस करते हैं SGRYT कोड के थ्रू, आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो पीयर रिव्यू है, जब एक रिसर्चर सबमिट करता है अपना आर्टिकल किसी जर्नल में, तो जो चॉइस होती है जर्नल की वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि भाई कोई जर्नल जो है वो कितना प्रेस्टिजियस है, उसका कितना नाम है डिफरेंट एकेडमिक सर्कल्स में। और जर्नल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट जो है वो सेलेक्ट करता है। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं लगभग उसी सिमिलर फील्ड में पीयर रिव्यू करने के लिए उस आर्टिकल को, और ये ध्यान रखिएगा ये विदाउट पेमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। देखिए, दो तीन में कारण बताता हूँ। हम सब ने 3 इडियट्स देखी है, तो उसमें काफ़ी विवाद हुआ था जब जो है चेतन भगत ने कहा था कि उनको जो है वो इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। तो कई लोगों को लास्ट में लगा कि भाई ये क्रेडिट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये कौन ऑथर है जो आके शोर मचा रहा है अपनी मूवी के लिए। देखिए, ये क्रेडिट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज मान लो कि हम एक वीडियो बना रहे हैं, हमको एक एडिटर की जरूरत है, और हमने ना किसी वीडियो में देख रखा है कि उसकी एडिटिंग ना बहुत अच्छी होती है, तो आप उसके क्रेडिट में ही तो उस एडिटर का नाम ढूंढेंगे ताकि आप अपनी वीडियो भी उसके एडिट करवा सके, उसकी सर्विसेज ले सके। तो इसलिए क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली इस फील्ड से है, और इसीलिए जो स्पेशली एकेडमिक्स की फील्ड होती है ना, जहाँ पे पीयर रिव्यू पे कुछ नहीं मिलता है, तो पीयर रिव्यू में कुछ नहीं मिलता फिर भी रिसर्चर्स अपनी जो है खूब ताकत लगा के इस चीज़ को रिव्यू करते हैं, तो उनको इससे रिकॉग्निशन मिलता है, और रिकॉग्निशन से बड़ी बात कुछ नहीं होती है एकेडमिक सर्कल्स में वैसे भी। तो उसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करते और कोई ऑब्वियसली पैसा देने को तैयार भी नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन अपनी प्रेस्टीज, अपने नाम के लिए, और जो है फर्दर जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते होंगे तो उस पर लिखा आता है पीयर रिव्यूड बाय दिस दिस एंड दैट, तो वो काफ़ी फेमस नाम हो जाते हैं उन सर्कल्स में, उन जो है नामों का अच्छा खासा महत्व होता है। तो ये चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, और कहीं भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सम्मान करना भी बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ये गिवन जो क्रेडिट है ये देना भी बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, जो पीयर रिव्यूअर्स हैं वो असेस करते हैं कि कौन से मेथड्स, कौन से डिज़ाइन यूज़ किए गए हैं, ओरिजिनलिटी क्या है फाइंडिंग्स की, क्या वैलिडिटी है ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स की, उनका क्या कंटेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या लैंग्वेज है। फिर फीडबैक जो आती है रिव्यूअर से, ये अक्सर इस बात को डिसाइड करती है कि क्या आर्टिकल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल एक्सेप्ट भी किया जा सकता है एज इट इज़, या उसमें कुछ चेंजेस भी जो है या उसमें कुछ रिविजन्स भी आपको बताई जा सकती हैं, वापस ऑथर को भेजा जा सकता है, और फिर रिवाइज और रिसबमिट करने को भी कहा जा सकता है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिजेक्ट भी हो सकता है विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सबमिशन। तो रिसबमिट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। जो एडिटर होता है ना वो ये फैसला लेता है कि क्या एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है रिसर्च रिपोर्ट को, जो बेस है रिव्यूअर के कमेंट पे, रिकमेंडेशन पे, और किस तरीके से एंड डिसीजन हमेशा एडिटर के हाथ में रहता है। पीयर रिव्यू ना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये फॉल्टी डेटा को आने से रोकती है पब्लिक डोमेन में, और इंटरनेट से पहले तो इसका और भी बहुत महत्व होता था, क्योंकि इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आजकल ना नॉन फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन वैसे ही बहुत अवेलेबल है, ये पॉइंट एड्रेस किया गया बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक तरीका है चेक करने का कि क्या वैलिडिटी है फाइंडिंग्स की, क्वालिटी क्या है, मेथडोलॉजी किस तरीके की इस्तेमाल की गई है रेटिंग और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के द्वारा। पीयर रिव्यूज जो है वो आइडियल होते हैं, वेर एज इन प्रैक्टिस देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये शो करता है पब्लिकेशन को जो है पब्लिकेशन को स्लो कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको समय लगेगा इस प्रोसेस में, और जो है आप प्रिवेंट कर देंगे अनयूजुअल या नया काम जो है पब्लिश होना था। तो कई बार जो है कुछ प्रेस्टीजियस जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रोपेगेंडा के तहत उन चीजों को रोक भी लेते हैं, तो कुछ रिव्यूअर्स जो है उसे यूज करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कि कंपीटिंग रिसर्चर्स जो है उनको पब्लिश होने से रोक लेते हैं। तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, सम पीपल ऑब्वियसली डाउट कि वेदर पीयर रिव्यू कैन रियली प्रिवेंट द पब्लिकेशन ऑफ द फ्रॉडलेंट रिसर्च, की क्या हकीकत में कोई फ्रॉडलेंट रिसर्च नहीं आएगी क्या पीयर रिव्यू होगा, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि तब भी आती है। तो ऑब्वियसली आज जब इंटरनेट के समय को आप देखते हो तो बहुत सारे ऐसे जो रिसर्चर्स हैं या एकेडमिक कमेंट्स हैं वो पब्लिश हो जाते हैं बिना किसी ऑफिशियल पीयर रिव्यू के, और जो सिस्टम्स हैं वो आज इवॉल्व हो रहे हैं। कोई भी जो है जैसे मान लो कि आज जाके रतन टाटा के बारे में वीडियो बना रहा है, उनको सलाह दे रहा है, कोई जो है ये बता रहा है कि एलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर क्यों खरीदा है, मतलब उस इंसान को भी ट्विटर क्यों खरीदा है जिसने इतने बिलियंस ऑफ रुपीज लगाए हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी रिसर्च टीम्स हैं, उसको कोई पर्टिकुलर जो है वीडियो बनाने वाला भी बता देता है। हालांकि हर इंसान अपना कमेंट दे बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को कहना भी, लेकिन स्टिल ये समझ लेना कि इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है तो वो कितनी जो है वो पीयर
पीयर रिव्यूड इन्फॉर्मेशन होगी तो हमको पता लगेगा कि यस वो एक एक्सपर्ट से आ रही है, बट नॉन एक्सपर्ट से जब वो कोई चीज़ आती है तो हमको इतना एहसास नहीं होता है इस चीज़ का, और इसीलिए जो है इंटरनेट के टाइम में ये बात और मुश्किल हो जाती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। और इसीलिए आप जो है अगर अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लास्ट में आपको बता दूँ कि 20% ऑफ अभी चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, SGRYT कोड का इस्तेमाल करिए, आपकी फीस अभी काफ़ी कम हो जाएगी प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज की। तो अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये प्राइजेस हैं। आप ये कोड यूज़ करिएगा SGRYT, जिसके थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी UGC नेट के कोर्सेज में। और अगर आप कॉमर्स और पेपर 1 से हैं तो इन कोर्सेज को लेना आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चन और कोर्सेज जो है और लाइव क्लासेज मिलेंगी मेरी तरफ से और बाकी सभी UG जो NTA UGC नेट के एजुकेटर उनकी तरफ से। शुक्रिया, सब्सक्राइब द चैनल, अपना ख्याल रखिए।